लिए ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हम। ओरछा ब्लॉक से निकले हुए थे, लगभग 35 से 40 किलोमीटर जो है नदी नालाओं को पार करते हुए निकले। और मैं बता दूं, 3 तारीख को जो जवानों की एक बड़ी रणनीति तय करके जो है अबूझमाड़ में उतारा गया था, तो हम चश्मदीद बनने के लिए स्वयं जो है जिस जगह पे मुठभेड़ हुआ था उस जगह पे पहुंचे हैं, जहां हजारों जवानों ने चारों ओर से इस अबूझमाड़ को जो है घेर लिया था। और जवानों ने इस जगह पे रुक के जो है चारों ओर भोजन वोजन कर पानी उनी पी ले के जो है पूरी तरह से इस इलाके को घेर रखा था, जहां पे माओवादियों की सबसे बड़ी टीम जो है वो मौजूद थी। अबूझमाड़, जहां सुरक्षा बलों के लिए पहुंचना और ऑपरेशन को अंजाम देना बिल्कुल आसान नहीं था। उस खतरनाक पथरीले नदी नालों और चढ़ाई वाले रास्ते से होकर न्यूज स्टेट संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। यहाँ पे कई माओवादियों का जो शव है वो इस जगह पे गिरा पड़ा हुआ था, और कई माओवादी जो है यहाँ पे ढेर हो गए थे। अगर साक्ष्य के लिए अगर मैं दिखा दूं तो माओवादियों का यह जूता भी है, जो महिला माओवादी इस जगह पे जो है वो गोली लगने से मर गए। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर देखने की बात करें तो माओवादियों के द्वारा जो है ये आप यहाँ पे लगातार जो है इस माओवादियों का पूरी तरह से जो है जूता पानी बाटल और जो ब्लड है वो माओवादियों का ही है, जो पूरी तरह से जो है यहाँ पे जवानों के द्वारा जो है जला दिया गया। और ये जो है माओवादियों का खाने का जो बिस्किट है वो सबको जो है जवानों ने जला दिया। इस क्षेत्र में अगर देखे तो इधर गोर इलाका है, इस तरफ से जो है जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ते लाया। और यहाँ पे 20 नक्सली जो है वो यहीं पे इसी जगह पे जो है ढेर हो गए, और 11 नक्सली जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे जो है वहाँ पे ढेर हुए। अबूझमाड़ का वो थुलथुली गांव जहाँ सुरक्षा बलों के चक्रियों में फंसकर 31 नक्सली मारे गए, उस जगह पर जगह जगह मुठभेड़ के निशान आज भी मौजूद दिखाई दिए। पेड़ों पर गोलियों के निशान मिले, जमीन पर गोलियों के खोखे पड़े दिखे, तो जगह जगह पर नक्सलियों के सामान भी बिखरे पड़े हुए थे। इस वक्त मौजूद है अबूझमाड़ के तुलतुली गांव में, जहां पे अगर आप देखेंगे जो जवान और नक्सलियों के बीच जो है सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है, जवानों को जो है बड़ी सफलता लगी है। इस मुठभेड़ में करीबन कम से कम 31 नक्सली को जो है उन्होंने ढेर कर दिया है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, इस तरफ से जो है माओवादियों के द्वारा लगातार फायर किया जा रहा था, और इस जगह से जो है जवानों के द्वारा मोर्चा संभालते हुए जो है यहाँ से जवाबी जो है कार्रवाई वो कर रहे थे। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कारतूस के कोके जो है वो गिरे पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक काली AK-47 के जो है बंदूक वेपन वो जो है उसका जो है कोका जो है वो पूरी तरह से गिरा हुआ है। और साथ ही मैं बता दूं, अबूझमाड़ की जो सबसे सक्रिय टीम जो रही है वो महिला माओवादी नीति की रही है, क्योंकि नीति की नाम से ही अबूझमाड़ पूरा चलता था। सुरक्षा बलों के लिए ये ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन बुलंद हौसलों के दम पर उन्होंने नक्सलियों की मांद में घुसकर अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन के बाद सुरक्षा जवान जंगल से वापस लौटे हैं, और जंगल से वापस लौटने के बाद नक्सलियों के शव वो कंधे पर लाद कर लाए हैं। कंधे पर लाद कर लाने के बाद शवों को जो है ट्रैक्टर के ट्रॉलियों के माध्यम से जिला मुख्यालय ले जा रहा है। अधिकारी जो है अधिकारी के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सुरक्षा जवानों को यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और इनको वो प्राउड फील करा रहे हैं कि आप लोगों ने जो काम किया है। देख सकते हैं कि नक्सलियों के शव जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लाए जा रहे हैं। सुरक्षा के जवान, ये वही जवान हैं जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया, नक्सलियों का एनकाउंटर किया, उनको मार गिराया, और अब उन्हीं नक्सलियों के शव अपने कंधे पर लाद कर यहाँ वो मुख्य मार्ग तक लाए जा रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगल में हुई इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। इस ऑपरेशन ने सरकार की उस मंशा को भी साफ कर दिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बना दिया जाएगा। सरकार का यह दावा हकीकत में भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अबूझमाड़ से अंकुश शर्मा और जोगेश्वर नाग के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।
तो बीती 4 अक्टूबर को नक्सलवाद के खिलाफ यह सबसे बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, लेकिन प्रदेश में नई साय सरकार के गठन के बाद से ही नक्सलियों को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए फुल एक्शन में है। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है, 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अगस्त के महीने में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का यह वो बयान है जिसने नक्सलवाद के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख दी। वो बयान है जिसने लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के जोश को और हाई कर दिया, और ये वही बयान है जिसके बाद से नक्सलियों के पांव उखड़ने शुरू हो गए। वो या तो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं, या तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। अगस्त में दिए गए शाह के इस बयान के बाद 7 अक्टूबर को भी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दिल्ली में हुई एक अहम मीटिंग के बाद भी गृहमंत्री शाह ने खुलेआम नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर दिया, साथ ही इसकी डेडलाइन भी देशवासियों के सामने रख दी। इस देश को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतया मुक्त कर दिया है। अब विकास के आड़े कोई बाधा नहीं है, अब कभी भी मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा और अब आइडियोलॉजी के नाम पर किलिंग भी नहीं होंगे। ये सभी संयुक्त घोषणा हम सब अप्रैल 26 में कर पाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं है। दिल्ली में हुई बैठक में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की। शाह ने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए हैं, तो 801 को गिरफ्तार किया जा चुका है और 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चलाया है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। वही छत्तीसगढ़ में कम होते नक्सलवाद का श्रेय सीएम साई ने डबल इंजन की सरकार को दिया, तो साथ ही एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार निर्णायक भूमिका में है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनवरी से अभी तक में कितना बड़ा मूवमेंट किया हमने, एक दिन में अगर 31 नक्सलियों को मार रहे हैं तो यही तो ताकत चाहिए थी। ये कांग्रेस में दम नहीं था इसलिए पनपते थे। अब कांग्रेस नहीं है, भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार सब प्रकार के ऐसे एलिमेंट से निपटने में सक्षम है। साफ है नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। खबरों की माने तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई, वैसे ही नक्सलियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है। इस साल भी देश में 202 से ज्यादा नक्सली मारे गए। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी अब महज 38 रह गई है। एक और जहां बढ़ते नक्सलवाद पर केंद्र सरकार सख्त है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं।
बीते करीब 9 महीने में 194 नक्सलियों को मार गिराया गया। 27 मार्च को बीजापुर में डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सली ढेर कर दिए गए। 2 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए तो 15 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसके बाद 29 अप्रैल को अबूझमाड़ में 3 महिला और 7 पुरुष नक्सली ढेर किए गए। वहीं 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। 23 मई को नारायणपुर जंगल में 8 नक्सली ढेर कर दिए गए। 8 जून को अबूझमाड़ में 6 नक्सली मारे गए तो 15 जून को ओरछा थाने के पास 8 नक्सली ढेर कर दिए गए। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली मारे गए तो 3 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर किए गए। 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सली मारे गए तो 24 सितंबर को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर महिला समेत 3 नक्सली ढेर किए गए। इसके बाद 4 अक्टूबर को सबसे बड़े ऑपरेशन में अबूझमाड़ के जंगलों में 31 नक्सली मार गिराए गए। साफ है छत्तीसगढ़ में साल दर साल नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में तेजी आ रही है। नक्सलवाद पर केंद्र की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है जिससे नक्सली लगातार कमजोर हुए हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों की पकड़ भी मजबूत हो रही है। पिछले सालों में नक्सली हमलों में भी लगातार कमी आई है तो छत्तीसगढ़ के कई जिले नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त भी हो चुके हैं और अब लक्ष्य पूरे राज्य को नक्सल मुक्त बनाना है। टीम न्यूज स्टेट। तो सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और नक्सलियों की लगातार कमर टूट रही है, लेकिन सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में लौट आने का भी लगातार न्योता दे रही है और उनके पुनर्वास के लगातार प्रयास हो रहे हैं। नक्सलियों से संवाद और बातचीत की भी कोशिशें जारी हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे वो आत्मसमर्पण करके मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएं। छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। एक ओर जहां एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार नक्सलियों से बातचीत और पुनर्वास पर भी जोर दे रही है ताकि बातचीत के रास्ते भी हल निकाला जा सके। सरकार नक्सलियों के पुनर्वास पर भी ध्यान दे रही है जिससे नक्सली नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आए। हालांकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम साय तक डेडलाइन भी तय कर चुके हैं। सरकार भी चाहती है कि नक्सली गोली की बजाय गोली से मारे तो ज्यादा बेहतर है, तभी तो सरकार नई पुनर्वास नीति लेकर आ रही है। नई नक्सल पुनर्वास नीति में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के सुरक्षित भविष्य का पूरा खाका तैयार किया गया है, जिसके लिए नक्सलियों को जिला स्तर पर अधिकारियों की देखरेख में 3 साल गुजारने होंगे। इसी दौरान उनको जीवन यापन के लिए 10,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। वहीं सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर नक्सल गतिविधियों पर तो पड़ ही रहा है और सूबे में नक्सलवाद की कमर टूट रही है। साथ ही नक्सली भी डर के मारे नक्सलवाद के रास्ते को छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। सरकार के द्वारा लोन वर्राटू अभियान चलाकर नक्सलियों को वापस मुख्य धारा में पहुंचाया जा रहा है, जिसका असर है कि अब तक कई नक्सली नक्सलवाद के रास्ते को छोड़ चुके हैं। आइए आपको समझाते हैं कि क्या है लोन वर्राटू अभियान। लोन वर्राटू अभियान का मतलब होता है घर वापस आइए। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नक्सली मुख्य धारा में वापस लौटते हैं। अभियान के जरिए नक्सली खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के रोजगार की व्यवस्था जिला प्रशासन करता है। सरेंडर नक्सली अपने गांव पंचायत के विकास कार्यों में योगदान देते हैं। 1 से लेकर 10 लाख तक के इनामी नक्सली अभियान के तहत सरेंडर कर चुके हैं। पुनर्वास नीतियों की कामयाबी इसी से समझी जा सकती है कि सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ लोग नकली नक्सली बनकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि प्रशासन उनकी फौरन पहचान भी कर ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की नई पुनर्वास नीति इसी महीने के अंत तक लागू हो सकती है, तो वहीं नक्सल पीड़ितों के लिए भी सरकार संजीदा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इनिशिएटिव लिया और नक्सल पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटे। सरकार की नीतियों का ये असर है कि जनवरी से लेकर अब तक 170 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सरकार का स्पष्ट मत है कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उन्हें खत्म करने के लिए अभियान चलता रहेगा ताकि लाल आतंक से निजात मिले। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने
पुनर्वास नीति के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी ओपन रखा है। टी न्यूज स्टेट। और चलिए फिलहाल रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।